पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इट इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा. इट इज वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा. अब डेटा को स्टोर करना है और उसे ऑर्गेनाइज करके रखना है हमें, तो ये क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर. अब इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा क्या है? अगर हम डेटा को सही तरीके से स्टोर करके रखें, ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखें, तो फायदा क्या होगा? कोई जैसे कि एक टेबल है, टेबल पे बहुत सारी फाइलें बिखरी पड़ी हुई है. तो अब मुझे कोई इंपॉर्टेंट कोई भी फाइल एक्स वाई जेड फाइल की जरूरत है, तो मुझे उस टेबल पे क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, हर एक फाइल को उठा उठा के चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये कोई टेबल ऑर्गेनाइज थी क्या? नहीं. लेकिन मैं टेबल को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं उन फाइलों को उन टेबल पे जमा के रख देता हूँ, सेट करके रख देता हूँ. और मुझे मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम की फाइल की जरूरत है, तो मैं डायरेक्टली उस फाइल को क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग देयर ऑर्डर वैल्यू, कि भाई एक्स पे है, अच्छा एक्स पे एक्स वाई जेड नाम की फाइल है. तो यहाँ पर डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना, यही क्या है? डेटा स्ट्रक्चर. इससे फायदा क्या होगा? इट कैन बी यूज टू या यूज डेटा इफिशियंटली. डेटा इजीली हमको मिल सकता है, ओके? डेटा को हम इजीली यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल पार्ट. ओके, तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, ये हमने समझ लिया. नाउ नेक्स्ट आते हैं कि सर स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को, ये तो हमें समझ में आया, जिससे हम इजीली डेटा को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या यूज कर सकते हैं. लेकिन सर जो भी मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा वो कहीं ना कहीं मेमोरी में भी तो स्टोर होगा. तो बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड डेटा ऑलवेज स्टोर इन मेमोरी. जैसे कि टेबल पे मुझे फाइलों को सेट करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो टेबल उस लायक तो होनी चाहिए जहां पर मैं फाइल को रख सकूं, मतलब टेबल का स्पेस तो होना ही चाहिए. तो ऑर्गेनाइज डेटा हमेशा किसी मेमोरी में स्टोर रहेगा. अब यहां पर बात आई कि जब मेमोरी में स्टोर रहेगा तो हम कितने तरीके से मेमोरीज में या मेमोरी में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, जिसका बेसिक बेसिक पार्ट अगर देखें तो हम एरे के फॉर्म में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं. एरे भी क्या है? कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स. ओके, तो ऑर्गेनाइज डेटा हमेशा मैं किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर रहेगा. और मेमोरी में स्टोर कैसे रह सकता है, जिसका हम एग्जांपल ऑलरेडी जावा में पढ़ते हैं, वो है एरे. बेसिक पार्ट, अभी आगे तो हम जाएंगे नहीं, बेसिक पार्ट. तो एरे, एरे क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स इन विच डेटा इज सॉर्टेड या स्टोर्ड सीक्वेंशियली. ओके, तो फॉर एग्जांपल ऐसा एग्जांपल बना के मैं लिख दूं ताकि आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाए. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स इन विच डेटा इज स्टोर्ड सीक्वेंशियली. तो आपने अपने डेटा सीक्वेंशियली स्टोर करके रखा है. ठीक है, मतलब वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे ही है, सीक्वेंशियली स्टोर करके रखा है. जैसे कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं या एग्जाम देके जब आते हैं, तो इन्विजिलेटर का काम क्या होता है? आपकी जो आंसर शीट है उनको सीक्वेंशियली अरेंज करना, यही तो काम रहता है, सीक्वेंशियली अरेंज करना. तो सीक्वेंशियली अरेंज करने का मतलब क्या है? कि भाई आप अपने फाइलों को स्टोर कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइज वे में, ताकि आप इफिशियंटली उस डेटा को यूज कर पाओ. ओके, तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एक बेसिक हमने देखा कि एरे भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है. और
इस एरे में डेटा को हम सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो, ठीक है, मतलब एरे स्टोर द एलिमेंट इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर। फाइन, नाउ ये पार्ट था डेटा स्ट्रक्चर का, तो एक बार और रीड कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर डेटा, वे टू स्टोर डेटा, इट कैन बी यूज डेटा एफिशिएंटली, ऑर्गेनाइज डेटा ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी। तो कोई भी डेटा को आप स्टोर कर रहे हो किसी ना किसी मेमोरी में तो स्टोर होगा, मतलब मेमोरी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल है एरे, एरे एक कलेक्शन है मेमोरी एलिमेंट्स का जिसमें डेटा सीक्वेंशियली स्टोर रहता है। ये बात आई डेटा स्ट्रक्चर की। नाउ नेक्स्ट आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है, अभी तो इंट्रोडक्शन है। नाउ नेक्स्ट आता है एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम होती क्या है, एल्गोरिदम का क्या यूज है, एल्गोरिदम किसे कहते हैं? ओके चलिए देखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, हमने डेटा स्ट्रक्चर देखा, अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। व्हाट इज एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है? तो पॉइंट नंबर वन, एल्गोरिदम एक प्रोसेस है या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, अब हम कंप्यूटर सिस्टम को बीच में लेके आ रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस, या आप बोल सकते हो एक सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ रूल्स। क्यों रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। ओके, एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और अ सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस को के लिए रिक्वायर्ड है ये सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। अच्छा, अगर नॉर्मल डेफिनेशन हम बोले कि एल्गोरिदम है क्या, नॉर्मल अगर आपको ये सब नहीं आता है तो अगर नॉर्मल सी डेफिनेशन बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली जब आप पहले पढ़ते होंगे तब ऐसी डेफिनेशन आप बोलते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा चेंज करके बोलना है, मतलब ये है ना कि और जो सामने वाला है उसने ये वाली डेफिनेशन कई बार कई मुंह से सुनी हुई, तो लगता है तो रटी रटाई डेफिनेशन है। जैसे जावा में अपन पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, मान लो सभी से पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहली लाइन तो यही फंसा के बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो कुछ ना कुछ अलग आप उसको बताओ तो पहला डेफिनेशन सही रहेगा। दूसरा तो ऐसा है कि जनरल है कि इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर में स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे मेरे पास एक रूल्स है, रूल की बुक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सिंपल सा जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने में इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगे, फाइनाइट इंस्ट्रक्शन है कि चाय बनाने के चाय को बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे। तो सबसे पहले पतीला चढ़ाएंगे, पानी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, शक्कर डालेंगे, दूध डालेंगे, उबालेंगे 2 मिनट के लिए, गैस बंद करके उतार लेंगे, तो बस फाइनाइट सेट है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि चाय को हमने बनने रख दिया तो 200-300 साल तक बनी रही है वो। कोई पूछे कि वो चाय कब से बन रही है, बोला यार ये तो सदियों से चली आ रही है, कोई पी नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है, फाइनाइट सेट मतलब कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, एंड तो होगा ही, और जो भी चीज एंड होगी वो क्या होगी, फाइनाइट। तो कोई भी प्रोग्राम अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोग्राम का क्या मकसद है, वो कंप्लीट होके रिजल्ट क्या देने वाला है, तो किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ओके, और फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक
ठीक है, तो इसी को अगर अपन आगे बोले तो क्या बोलेंगे, विच आर बीइंग कैरीड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. तो सर हमने ये समझ लिया कि एल्गोरिदम तो सर एक प्रोसेस या सेट ऑफ रूल्स है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है. सर हमने इसको दूसरी तरीके से समझ लिया कि फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये मैंने बीइंग कैरिड है, विच आर बीइंग कैरिड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सर और इसमें क्या हम लिख सकते हैं? तो हम अगर ये भी याद ना आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इट इज जस्ट अ लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम. क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं? क्या ये लाइन सही रहेगी? इट इज जस्ट अ लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम. प्रोग्राम का ये सिर्फ एक लॉजिक ही बताता है. ठीक है, प्रोग्राम का लॉजिक बताना भी तो क्या है, एल्गोरिदम ही है. ओके, किसी प्रोग्राम का लॉजिक आपको बता देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि इवन नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या, मैं आपको क्या लॉजिक दूं? इनफॉर्मल वे में मैं आपको क्या लॉजिक दे सकता हूं? मैं आपको ये बोलूंगा जो जो भी आप नंबर यूज कर रहे हो उसका मॉड निकालो 2 से और चेक करो क्या वो 0 के बराबर है या नहीं. तो यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल वे में मैंने आपको बताया, मतलब विच कैन बी रिप्रेजेंट आइदर एज अ इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन और यू कैन यूज सूडो कोड. ठीक है, तो नॉर्मल लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये भी एक तरह से क्या है, एल्गोरिदम ही है. समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. ओके, यस सर. हम नेक्स्ट आते हैं. सर ये जरूरत क्या पड़ी एल्गोरिदम की? कुछ जरूरत तो होगी. तो ये जो क्वेश्चन है, मैं लास्ट में स्टार लगा दूंगा. क्वेश्चन है Why we need algorithm? Why we need algorithm? जरूरत क्या है algorithm की? कोई जरूरत आपको दिख रही है? जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको ऐसा थोड़ी ना है कि आपको एक प्रोजेक्ट जो असाइन हुआ है वो आपको खुद ही सोचना है और खुद ही बनाना है. ऐसा आपको नहीं करना. आपको तो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगा जिसको आप देख करके आप अपनी कोडिंग परफॉर्म करोगे. उसमें कोड तो नहीं लिखा होगा लेकिन वहां पर कम से कम आपको फ्लो चार्ट, आपको वर्किंग प्रोसेस या आपको एल्गोरिदम्स तो मेंशन होगी. आपको उसी का यूज करके क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है. तो जरूरत क्या पड़ी एल्गोरिदम की? एल्गोरिदम की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो यही बात आती है. हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? एक बड़ी सी प्रॉब्लम को हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको सॉल्व करना है ताकि हम फिजिबल प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके. तो पहला तो ये है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस, ठीक है ना. अब आपके पास छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, परफॉर्मेंस आपका बहुत सही है. तो आप अपने ही प्रोजेक्ट को, अपने ही एल्गोरिदम को और भी उसमें चेंजेस कर सकते हो. या आपको कुछ एबीसी कुछ दे दिया आपको कि ये आपको अपने एल्गोरिदम में या आपके कोड में इसे ऐड करना है, तो आप कहाँ पर उसे ऐड कर पाओगे? मतलब है एल्गोरिदम की जरूरत क्या क्या पड़े कहाँ पड़ेगी? स्केलेबिलिटी के लिए. ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आता है. सर अब ये जो एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं, ये एल्गोरिदम
हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये सही है ये गलत है? क्या एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम समय लगे एग्जीक्यूट होने में? किसी भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो कम समय लगे, जैसे कि पुराने स्मार्टफोन आते थे, पुराने स्मार्टफोन को आप बंद कर दीजिए, देन उसके बाद आप उसको चालू करते हो तो थोड़ा समय लेता है। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन अगर आप उसको स्विच ऑफ करने के बाद जब स्विच ऑन करोगे तो अब पहले जैसा समय नहीं लेता। तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम है जो हर एक कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर रही है स्टार्टिंग में मोबाइल फोन के, वो कितनी जल्दी वर्क कर रही है, तो कोई ना कोई एल्गोरिदम तो होगी। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, तो ये अब नेक्स्ट पार्ट आया एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, इसको एक पॉइंट बना के अगर हम लिखें, परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। तो किसी एल्गोरिदम का आप परफॉर्मेंस कैसे निकाल पाओगे? हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में कम समय लेगी या ज्यादा समय ले रही है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी ना। वो जो एल्गोरिदम है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है? तो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है मतलब कितना स्पेस ले रही है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक तो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल देखें, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट आई इक्वल टू 0 फॉर इंट, सॉरी, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। अब इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो निकालते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन कितनी बार वर्क कर रहा है। चेक करते हैं इसे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, मैं यहाँ पर नंबरिंग अगर कर दूं तो कैसा रहेगा? 1, नंबरिंग की चलो छोड़ो, नंबरिंग छोड़ देते, मैं एरो बना देता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन रीड किया गया तो इस पहले इंस्ट्रक्शन ने कितना टाइम लिया? ये सिर्फ कितना टाइम लिया? 1। मैं कोई 1 यूनिट बोल देता हूँ इसको, है ना, अभी के लिए 1 यूनिट। कितना टाइम लिया? 1 यूनिट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है फॉर लूप। तो इस फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पार्ट। जिसमें इनिशियलाइजेशन पार्ट कितनी बार वर्क करता है? सिर्फ एक बार। तो मैं यहां पर दे देता हूं कि ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये कितनी बार वर्क कर रहा है, तो ये भी वर्क कर रहा है 1 यूनिट। नाउ कंडीशन चेक करी, ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी? कंडीशन एक बार चेक हुई, 10। कंडीशन एक बार चेक हुई, स्टेटमेंट पढ़ा, इंक्रीमेंट हुआ। कंडीशन दूसरी बार चेक हुई जब आई की वैल्यू क्या हुई? 2। देन ये कब कब चेक होता जाएगा आप चेक करके देखिएगा, जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 3 है, जब आई की वैल्यू 4 है, जब आई की वैल्यू 5 है, जब आई की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 7, 8, 9, 10।
10 पे भी चेक होगा और ये 11 पर भी चेक होगा। तो ये जो है ये कितने बार चला, ये कितने बार चला, 11 यूनिट चला, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार चला, ये 10 यूनिट चला, प्रिंट कराना है वैल्यू ऑफ आई, ये भी 10 यूनिट चलेगा, 10 यूनिट। तो ये प्रोग्राम हाईएस्ट कितना यूनिट चला, पूरा प्रोग्राम हाईएस्ट कितना यूनिट चला, 11 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 11 यूनिट, मतलब इसको 11 यूनिट का समय लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, ओके। तो कोई भी यूनिट, अब मैंने ऐसे यूनिट लिख दिया है वो, तो इसको 11 यूनिट लगा है एग्जीक्यूट होने में, तो ये हमने क्या निकाली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ऐसा थोड़ी ना निकालना है कि 1 यूनिट, 10 यूनिट, 11 यूनिट, यहां पर हमें फिक्स नहीं है कोई भी वैल्यू, कोई वैल्यू जब फिक्स नहीं होगी तो हम कैसे निकाल सकते। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लूप 1 से लेके 10 तक चल रहा है, लेकिन हो सकता है लूप इनफाइनाइट चल रहा है, तो जब लूप इनफाइनाइट चल रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, क्या हम बोलेंगे उसको इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है, नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो है ये, इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे कि भाई मान लीजिए ये लूप है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट यूनिट, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये एक प्रोग्राम, या मैं इसको बोल देता हूँ ये एक एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम हमेशा क्या होगी, फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी जाके, ठीक है, आप कहीं ना कहीं रुकेगी, तो आप उस वैल्यू को क्या डिनोट करने वाले, यही सबसे बड़ा पार्ट है और यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि सर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसी प्रोग्राम को मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बता देता हूं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसमें कोई यूनिट नहीं ले रहे हम डायरेक्टली देख लेते हैं, यहां पर मैंने आई की वैल्यू ली, आई कितना है, 4 बाइट्स, आई है 4 बाइट्स, क्या कोई और प्रिमिटिव वैल्यू डिक्लेयर हो रही है, नहीं, ये आई तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, यहां पर भी आई ऑलरेडी डिक्लेयर है, यहां पर भी ऑलरेडी डिक्लेयर है, ये आई भी ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो ये पूरा प्रोग्राम कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स में ही ये सारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, घूमती जाएंगी। जैसे कि मैंने लिखा, इधर लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन, मैं इसको बोल देता हूं, तो आई की वैल्यू अभी 0 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, मान लेते, सिर्फ मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं, आई की वैल्यू 0 थी और आई प्लस प्लस मैंने उसके बाद कर दिया, तो आई की वैल्यू में चेंज आया, हाँ बिल्कुल आया, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, लेकिन वो 1 कहां पर स्टोर हो रहा है, आई में जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, हमें उसको बार बार तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब एक उसको साइज दे दिया, उसी साइज में वो क्या कर रहा है, खेलता जा रहा है, ठीक है। तो ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, क्यों भाई कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन है इस एल्गोरिदम का, ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, क्लियर है अभी तक, यस और नो, यस सर, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं, सर ये जो एल्गोरिदम है, मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो सर ये जो एल्गोरिदम है ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये किस केस के लिए सही, ओके। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 5 डिस्क है, डिस्क
वन जो है 5 kg की, डिस्क टू है 10 kg की, डिस्क थ्री ये है 15 kg की और डिस्क में एक और बस चार बना लेता हूं, डिस्क फोर ये है 20 kg की। ओके मैंने आपको ये बोला आपका बेस्ट स्कोर क्या है, आपका बेस्ट स्कोर क्या है, आपका एवरेज स्कोर क्या है और आपका वर्स्ट स्कोर क्या है। आपका बेस्ट स्कोर, आपका एवरेज स्कोर एंड आपका वर्स्ट स्कोर क्या है। अब स्कोर किस बेसिस पे हम यहाँ पर लेंगे वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स है जिसमें वेट उठाना है, तो टोटल 4 डिस्क है, हर डिस्क का साइज क्या है या वेट क्या है अलग अलग है। मैंने बोला कि कोई भी आए और किसी एक डिस्क को उठा ले तो सबसे पहले लोग किस पे भागेंगे, 5 kg, क्यों, क्योंकि 5 kg आसान है उठाना, तो सभी का बेस्ट केस क्या हुआ, 5 kg। ओके 5 kg। नाउ वर्स्ट केस, वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको बोला कि आपको 5 से लेके 20 तक उठाना है, ठीक है, यहां पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 people, 5 लोग हैं, 5 लोगों को मैंने बोला कि भाई आपको क्या उठाना है, ये चारों डिस्क उठानी है लेकिन फ्रॉम 1, 2, 3, 4 ऐसा करके उठानी है। तो सभी 5 लोगों ने डिस्क 1 तो उठा लिया, मतलब सभी का बेस्ट स्कोर कितना है, 5 kg, मतलब जो आसान है। नाउ फिर मैंने बोला कि भाई अब आपको अगला उठाना है, तो फिर 5 में से सिर्फ 2 लोगों ने ही या 5 में से सिर्फ 3 लोगों ने ही 10 kg उठाया। फिर अगले डिस्क पे आए तो फिर 3 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने ही 15 kg उठाया और फिर एक ही आदमी था जिसने क्या उठाया, 20 kg उठा पाया। तो अगर मैं बोलूं कि सबका बेस्ट स्कोर क्या था तो 5 kg सभी ने उठाया, लेकिन वर्स्ट केस कब मैं बता पाऊंगा, जब मैं किसी एल्गोरिथम को सारे इनपुट्स पे अप्लाई करके देखूं। जैसे कि अपने प्रोग्राम में होता है ना, कोडिंग प्रोग्राम में सर हमारा सैंपल केस तो चल रहा है लेकिन हिडन केस नहीं चल रहा। तो सैंपल केस चल रहा है मतलब आपके 2 इनपुट पे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपका बेस्ट केस हुआ। लेकिन आपका अगर प्रोग्राम सभी केसेस पे वर्क कर रहा है, मतलब सभी केसेस के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम बनाया है, इसका मतलब क्या है कि वो वर्स्ट केस है, ठीक है, क्योंकि सभी इनपुट्स उस पे अप्लाई हो जाए तो उसमें उस एल्गोरिथम में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर वर्स्ट केस कितना निकला, वर्स्ट केस सारे इनपुट्स मतलब जिसने डिस्क 1, 2, 3, 4 मतलब पूरे 20 किलो तक, फ्रॉम 20 किलो तक उठाया, तो ये क्या हुआ उसका वर्स्ट केस मतलब उसका एक तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो भी धीरे धीरे कम होती जाई गई और डिस्क का जो वेट है वो भी बढ़ता गया, तो ये तो क्या वर्स्ट केस ही हुआ ना उसके लिए। या तो आप मेरे को डायरेक्ट बोलते कि 20 किलो उठाता तो मैं तो फ्रेश माइंड से आया था, मैं 20 किलो उठा सकता था, लेकिन आपने क्या किया, मेरे तो पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ को पहले नष्ट कर दिया 15 किलो तक, उसके बाद बोला कि चलो 20 किलो उठाओ, तो ये क्या हुआ वर्स्ट केस ही हुआ। जैसे कि एक एल्गोरिदम है ए बराबर 10 के, ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं ये इसलिए अब टेक्निकल पे आ रहा हूं। इफ ए इक्वल टू 10 रिटर्न 10 एल्स फॉर आई इन रेंज 0.5 प्रिंट आई,
अब यहां पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या है? अगर ए की वैल्यू मैं 10 कर दूं, ए की वैल्यू मैं 10 कर दूं तो क्या होगा? 10 बराबर है 10 के? यस, रिटर्न कर दिया 10। मतलब एक कंडीशन चेक करने पे ही उसका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। एक कंडीशन चेक करने पे उसका रिजल्ट आ गया, मतलब ये क्या हुआ उसका बेस्ट केस पर। लेकिन ये सही है या नहीं ये तो चेक ही नहीं हुआ ना। एल्स के अंदर जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं वो सही है या नहीं वो तो चेक ही नहीं हो पाए आपके ये वाले इनपुट से। तो आपने तो बेस्ट केस निकाल लिया, लेकिन बचा हुआ जो मेरा पार्ट है, प्रोग्राम का पार्ट है, वो तो चेक ही नहीं हुआ। अब मैं कैसे इसको बोलूं कि ये सही है या गलत? तो उसके लिए मुझे और भी इनपुट पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने दो इनपुट ले ली, दूसरा इनपुट है ना, पहला 10 था, दूसरा 5 ले लिया। 5 बराबर है क्या 10 की? फॉल्स। फॉल्स से तो कहां गया? एल्स पे। एल्स पे गया तो 0 से लेके 4 तक ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अब देखिए यहां पर इस पूरे प्रोग्राम में दोनों केसेस कौन चेक कर रहा है? 5 ने ये वाला केस भी चेक किया और 5 ने ये केस भी चेक किया। तो मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो मैक्सिमम इनपुट्स पे चेक हुआ। जब मैक्सिमम इनपुट्स पे आप चेक करोगे तो आप क्या निकाल पाओगे? वर्स्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केसेस होते हैं हर एक एल्गोरिदम के। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस और एक होता है वर्स्ट केस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होता है वर्स्ट केस का। एवरेज केस के क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं देखे, लेकिन बेस्ट केस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस्ट केस और एवरेज केस ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। लेकिन ये बेस्ट केस और एवरेज केस हम निकालेंगे कैसे सर? कोई ना कोई तो यहाँ पर डेटा आपने दिया होगा, उसी के बेसिस पे तो हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस निकाल पाएंगे। तो कोई भी एल्गोरिदम है उसको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए आपको असिम्प्टोटिक नोटेशंस की जरूरत होती है। असिम्प्टोटिक नोटेशंस, सबसे पहला असिम्प्टोटिक नोटेशन है वो है बिगो, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्स्ट केस। ओके, बिगो वर्स्ट केस। तो इसको आप ऑर्डर ऑफ भी बोलते हो या बिगो भी बोलते हो। अब ये हम समझ लेते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये मैं इसका यूज कर लेता हूँ, रेड का। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा एल्गोरिदम है जो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। एफ एन ये हमारा एल्गोरिदम। हमने इसकी बाउंड्री सेट कर दी कि ये जो एल्गोरिदम है वो यहां तक वर्क कर सकती है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम बनाया था, अभी एक प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स वाला, तो मैंने बाउंड्री वहां पर तय कर ली कि प्रोग्राम हाईएस्ट कितना जा सकता है। तो भाई प्रोग्राम हाईएस्ट 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर एफ एन क्या है? ये मेरा फंक्शन है और ये जो फंक्शन है हमेशा इस अपर बाउंड के अंदर ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बिगो वर्स्ट केस। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ऑर्डर ऑफ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो या बिगो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। द ग्रोथ रेट ऑफ योर एल्गोरिदम वो हमेशा कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए अपर बाउंड के। ठीक है, हमेशा अपर बाउंड के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ये एक लैडर है, ये एक लैडर है। इस लैडर में कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इस लैडर में कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं। मैंने एक चाबी, एक की इस 6 स्टेप पे डाल दिया और मैं चढ़ के गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवें स्टेप पे ये मेरे को मिल गया। ठीक है सर, समझ में आया। लेकिन अब मैंने ये जो की है वो कहाँ रख दी? मैंने यहीं पर ही रख दी। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए लैडर के स्टेप कितने हैं? 6। अब मुझे की ढूंढने जाना है, तो पहले स्टेप चढ़ा, दूसरे स्टेप चढ़ा, तीसरे स्टेप में मुझे क्या मिल गई? की।
तो यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो क्या है, हाईएस्ट स्टेप ऑफ योर लैडर, और जो की है वो क्या है, आपके फंक्शंस आउटकम। ओके, अगर आपको चाबी पहले ही मिल जानी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि भाई की बाहर रखी है, तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि तो गेम में हमने अलाउड ही नहीं किया। ठीक है, की आप ज्यादा से ज्यादा 6 स्टेप पर ही डाल सकते हो। तो ये आपका एल्गोरिदम है, जो आपके एल्गोरिदम आउटकम्स है वो हमेशा अपर बाउंड के छोटे होने, अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एफ ऑफ एन की वैल्यू है 2n plus 3, और अपर बाउंड में यहां पर बोल देता हूं एन स्क्वायर। टू एन प्लस थ्री एंड एन स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, आप कॉपी पेन लीजिए, ओके, कॉपी पेन लीजिए और उस कॉपी पेन में आप लिखिए एफ ऑफ एन, एक कॉलम बना लीजिएगा ऐसा एफ ऑफ एन, और दूसरा कॉलम सी डॉट जी ऑफ एन, सी मतलब कांस्टेंट है, सी डॉट जी ऑफ एन एक कॉलम बना लीजिए और उस कॉलम में आप वैल्यू डालते जाए। ठीक है, ये दो कॉलम बना लिए आपने, अब इसमें वैल्यू डालते जाइए। सबसे पहले एन की वैल्यू हम रखें 1, तो एन की वैल्यू 1 रखिए, तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 1 plus 3, कितना हो गया 5। ओके, अब यहां पर सी डॉट जी ऑफ एन, तो जी ऑफ एन की वैल्यू डाल दू, एन की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। Fn की वैल्यू आप कितनी रख दे, हम 2, n की वैल्यू आप रख देते हैं 2, 2 into 2 कितना हुआ 4, 4 plus 3 कितना हुआ 7, तो यहाँ पर f of n की वैल्यू कितनी आ गई 7, g of n की वैल्यू 2 into 2 कितना हुआ 4। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, f of n अभी छोटा है, f of n बड़ा है अभी g of n से, 5, 1, 7, 4। अब n की वैल्यू हम रख देते हैं 3, n की वैल्यू हमने रख दी 3, तो 2 into 3 कितना हुआ 6, 6 plus 3 कितना हुआ 9, तो f of n की वैल्यू कितनी हुई 9, कब, जब हमने 3 रखा, और g of n की वैल्यू कितनी हो गई 3 into 3, 3, 9। ठीक है, ये 9 हो गई। अब हमने n की वैल्यू रखी 4, और 4 रखने पे 4 into 2 कितना हुआ 8, 8 plus 3 कितना हुआ 11, और यहां पर 4 into 4 कितना हुआ 16। अब आप यहां से देख रहे हो कि यही है टर्निंग पॉइंट, जब n की वैल्यू हमने 4 रखी तो g of n बड़ा निकला किससे, fn से। ठीक है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, n नॉट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, n नॉट। जहां पर f of n की वैल्यू छोटी और g of n की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, उस ये कभी जाके ये कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिछड़ गए कहां से, n नॉट से। तो n नॉट कहां पर आया है हमारा, 4 पे। ठीक है, अभी हमने आर्बिट्री फंक्शंस ले लिए थे इसलिए, तो n नॉट जहां पर दोनों अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे, ये क्या कहलाएगा आपका, n नॉट। ठीक है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन फॉर एनी की पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा g ऑफ n से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। आप मैक्सिमम वैल्यू ले लो, ले लेते हैं अपन कितना 9, अभी हमने मैक्सिमम मान लेते हैं 9, तो 2 into 9 कितना हुआ 18, 18 plus 3 कितना हुआ 21। ठीक है, और 9 into 9 कितना हुआ 81। अब देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, यहां पर तो 0 का डिफरेंस था 3 पे, 4 पे 5 का डिफरेंस था, 9 पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब जो फेर बदल है वो कहां से होना चालू हो गए थे, जब n की वैल्यू 3 थी और n की वैल्यू 4 में, तो ये पूरा ही पलट गया। तो बिग O यानी कि वर्स्ट केस, और आपका जो एल्गोरिदम है वो सभी इनपुट्स पे किस तरीके से वर्क कर रहा है यही चेक किया जाता है।
ठीक है, जिसका एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम बिग ओ से डिनोट करते हैं, जिसमें आपका जो फंक्शन है, आपका जो एल्गोरिदम है, वो अपर बाउंड से कम ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज केस। मैं बेस्ट केस बता देता हूं, बेस्ट केस। अब बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और प्रोनाउंस करेंगे ओमेगा या लोअर बाउंड। अब जो ग्रोथ रेट आपके फंक्शन का है या आपके एल्गोरिदम का है, वो हमेशा लोअर बाउंड से बड़ा ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने इतना बोल दिया, जैसे कि कोई एग्जांपल, जनरल एग्जांपल क्या बनाए, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको पूरे दिन भर में 4 स्टेप्स तो चलना ही है, 4 स्टेप्स तो चलना ही है, तो आमतौर पे तो हम ऐसे चल लेते हैं 4 स्टेप। तो मैंने आपकी लोअर बाउंड्री कितनी तय कर दी कि 4 स्टेप्स तो आपको चलना ही है। ठीक है, तो आप कम से कम 4 स्टेप चलिए और इसके आगे आप कितने भी स्टेप चल सकते हो। तो मैंने आपकी बाउंड्री कितनी सेट कर दी, लोअर बाउंड्री सेट कर दी कि 4 स्टेप तो आपको चलना ही है। तो आपका जो एल्गोरिदम है, मैं डायग्राम इसमें देख लेता हूँ, हाँ, आपका जो एल्गोरिदम है वो हमेशा उसकी ग्रोथ रेट कैसी होनी चाहिए, लोअर बाउंड से हाई ही होनी चाहिए। ठीक है, लोअर बाउंड से। तो ये येलो रीजन जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, हाई रीजन। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कम से कम इनपुट में आपका काम हो जाए, तो वही क्या है, बेस्ट केस। लेकिन आपके काम को मुझे देखना है बहुत सारे इनपुट से, तो वो क्या है, वर्स्ट केस लिखा हुआ है। पुराना वाला मैं आपको बता देता हूँ, द मैक्सिमम इनपुट्स ऑफ एफ ऑफ एन फॉर एनी की पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, यहां पर क्या है, मिनिमम पॉसिबल इनपुट्स आपको देने हैं। कम से कम आपने लोअर बाउंड सेट कर दिया और उसके अबव ही आपका एल्गोरिदम चलना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, बेस्ट केस। बेस्ट केस को डिनोट करते हैं ओमेगा से। नाउ नेक्स्ट आता है एवरेज केस। एवरेज केस जिसको थीटा से डिनोट किया जाता है। अब एवरेज केस है क्या, जो आपका फंक्शन है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड में ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड में ही वर्क करना चाहिए। अगर आपका एल्गोरिथम लोअर बाउंड और अपर बाउंड के मीडियम में वर्क कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एवरेज केस, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ एफ एन इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ जी एन। ठीक है, तो यहाँ पर जी एन दो है, सी वन जी एन और सी टू जी एन। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में ही ये आपका एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज केस। ठीक है, अब कैसे हम केस को डिनोट करें, और एवरेज केस और बेस्ट केस, सॉरी वर्स्ट केस और बेस्ट केस हम कैसे फाइंड करें। ठीक, तो मैं यहां पर कुछ एल्गोरिदम्स आपको बता देता हूं, और जिसमें हम बेस्ट केस और एवरेज केस, सॉरी बेस्ट केस और वर्स्ट केस हम फाइंड करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। ग्रोथ रेट, देखिए डीएसए का ये जो बेसिक पार्ट है ना, यही थोड़ा सा आपको बोल सकते हो कि अजीब लगेगा आपको, लेकिन इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो बहुत इजी है। अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो ग्रोथ रेट कैसा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं वर्स्ट केस की। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 1, तो मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था 1 यूनिट ही चला ये एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में ये वाला 1 यूनिट चला, एक ही यूनिट चला, तो 1। लेकिन इसको मैं बोल देता हूं कि कहां तक चलना चाहिए, एन तक, तो ये लूप कब तक चलेगा, एन तक चलेगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ 1, देन धीरे धीरे हम ग्रोथ रेट बढ़ाते जाए, तो 1 से बड़ा कौन होगा, लॉग लॉग एन, लॉग लॉग एन से बड़ा कौन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एन, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एन से बड़ा कौन होगा,
log square n, log square n से बड़ा कौन होगा n, then n से बड़ा कौन होगा log square n, log n, log n से बड़ा n, n से बड़ा log factorial n, factorial n से बड़ा n log n, इसको साथ में लिख दूं क्या मैं, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसी नीचे लाइन से चालू कर रहा हूं मैं, देन n log n के बाद n square, अब n square, then n cube, then n quad, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। n, then 2, 3, 4, 5 आगे तक इसके बढ़ते जाएंगे, तो मैं ये लिख दी, आप इसको ऐसा बोल दीजिए, और so on, ठीक है, ऐसा एक एरो बना देते हैं एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। देन जब ये खत्म होंगे तो 2^n, 2^n है तो फिर 3^n, और ऐसे करते करते 4^n, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ। देन फैक्टोरियल n, और लास्ट आते हैं 2^n, ठीक है। ये है ग्रोथ रेट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, कौन किससे बड़ा है। मैं आपको, आपसे कल टेस्ट लूंगा, तो उसमें मैं ये पूछूंगा आपसे, एक टेस्ट लूंगा मैं एमसीक्यू वाला, उसमें पूछूंगा मैं आपसे, और ऐसे नहीं पूछूंगा कौन किससे बड़ा है, ठीक है। एक पूरा एक कहानी बना के और फिर आपसे चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां से एमसीक्यू आप तैयार रख लीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं, क्रिएट करते हैं एक एग्जांपल एंड हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फर्स्ट एल्गो फॉर इंट, मैं इधर लिख देता हूं पहले तो, इंट आई इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, देन नेक्स्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ i, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और कैसे हम फाइंड करेंगे। आपको अगर आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसको नहीं आता वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सर नहीं आता, कैसे फाइंड करते हैं, जल्दी से, एक मिनट है आपके पास। देखिए मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जिसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, और एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, फिर आने वाले क्वेश्चंस पे आप इसको अप्लाई करते रहना, ओके। सबसे पहला मैं थोड़ा सा बड़ी मेथोडोलॉजी पहले मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम फाइंड करते हैं आई इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट कितनी बार, तो इसको बोल देते हैं कि सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो वन, क्योंकि एक ही बार चल रहा है, बिगो वन। नेक्स्ट अगर देखें तो आई इक्वल टू वन, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है फॉर लूप का, ये कितनी बार वर्क कर रहा है, सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो वन,
क्योंकि ये भी एक ही बार चल रहा है, जो एक बार चलेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, वन। आई इज लेस देन एन, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू छोटी है एन, है ना। तो ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक चेक होता जाएगा, जब आई की वैल्यू एन हो जाएगी तब भी चेक होगा, होगा ना। आई की वैल्यू वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है ना, इस पे चेक होता जा रहा है, और जब आई की वैल्यू एन हो जाएगी तब भी चेक होगा। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन पार्ट है कितनी बार वर्क करेगा, तो ये एन टाइम्स वर्क करेगा, सॉरी इट्स एन, एन टाइम वर्क करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, मैं तीन चार तरीके आपको बताऊंगा। फिर जब कंडीशन चेक होती तो कहां जाया जाता है, अंदर। अंदर क्या गए, अंदर क्या मिला, एक एसओपी स्टेटमेंट। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक अंदर जाएगा ना, जब जब कंडीशन चेक होगी तभी अंदर जाएगा और तभी एसओपी मतलब आई को प्रिंट करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार चलेगा, एक कम तक, क्योंकि ये एन तक चेक हुआ है, एन में तो फॉल्स हो जाएगा। जब आई की वैल्यू कैपिटल एन होगी तब तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन इसके पहले तो चलेगा। इसका मतलब ये है कि बिग ओ एन माइनस वन तक आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। देन कंडीशन, सॉरी कंडीशन चेक किया, स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आई प्लस प्लस कितनी बार चलेगा, आई प्लस प्लस कितनी बार चलेगा, ये चलेगा बिग ओ एन माइनस वन तक, ठीक है, एक कम तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन के बाद वो काम कर रहा है, एक कम तक ही चलेगा। तो आपको ये सारे हर एक स्टेटमेंट की आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे कि पहली वाली लाइन का वन, देन फॉर लूप की बात करते हैं, तो फॉर लूप में भी वन, देन एन, सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस वन, देन अनदर एन माइनस वन। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करने पर ये कितना मिलेगा हमें, तो ये एक वन और दो वन, ठीक है, दो माइनस वन है, दो प्लस वन है, दोनों हट गए, ठीक है, बचा क्या एन एन एन, मतलब कितना बचा, थ्री एन, थ्री एन। ओके, थ्री क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को आप इग्नोर कर दीजिए। तो ओवरऑल आपके फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिली, बिग ओ एन, ठीक है, ओवरऑल आपके फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिली, बिग ओ एन, ठीक है, ऐसा आप निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका ये है, जब आपने हर एक की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है तो आप देख लो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा है बिग ओ एन, इसका मतलब है कि पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन ही होगी। तीसरा तरीका आप ध्यान रखें, तीसरा तरीका ये सब देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ, ये तो आपको पता है एक ही स्टेटमेंट है एक बार चलेगा, तो एक वन है तो वन को तो कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर कर दो ना। इसमें से आप देखिए, ये लूप है जो आपका गेम बिगाड़ सकता है। इस लूप में कौन सा पार्ट है जो मल्टीपल टाइम्स वर्क करता है, वो ये है कंडीशन पार्ट, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये प्रिंट होगा, इसी के बाद ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करवाने वो जो भी आप करवाने वाले हो वो करवाना होगा। तो सबसे मेन पार्ट कौन सा है यहाँ पर, ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि सर ये जो कंडीशन है इसको फॉल्स करके बताइए, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जब आई की वैल्यू एन हो जाए, यही फॉल्स हो जाएगी ना, ठीक है। मान लेते हैं एन की वैल्यू कितनी है, टेन, तो फॉल्स कब होता है भैया, जब हम नाइन पे फॉल्स होगा क्या, नहीं, नाइन पे तो ट्रू रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, टेन, तभी फॉल्स होगा ना। तो हमें क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जो भी लूप हो उसको फॉल्स करने की कोशिश करिए। तो ये लूप कब फॉल्स होगा, ये लूप फॉल्स होगा जब आई की वैल्यू एन हो जाए, तब फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लूप एन टाइम्स चला है, ये लूप एन टाइम्स चला है भाई साहब। जब ये लूप एन टाइम्स चला है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ओ एन। तो आपको हर एक का कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है,
ठीक है जी, हर एक की कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं होगी, समझे। तो आपके पास तीन तरीके हैं, या तो इंडिविजुअली निकाल के आप उसको एडिशन करिए, या इंडिविजुअल निकाल के आप देख लीजिए कौन सब में बड़ा है, या तो आप जो लूप है उसकी कंडीशन फॉल्स करने की कोशिश करिए, फॉल्स कब होगा। ओके, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि सर अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा लिख देते हैं एन प्लस वन, ठीक है एन प्लस वन, तो भाई ये लूप कब फॉल्स होगा, फटाफट बताओ यार चैट बॉक्स में, लूप कब फॉल्स होगा। लूप फॉल्स होने की कंडीशन क्या होगी? वेरी गुड, जब आई की वैल्यू एन प्लस वन हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू एन प्लस वन है, जब तक आई की वैल्यू एन प्लस वन है, ठीक है, तब ये लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि लूप कब तक चलेगा, एन प्लस वन तक तो सर चलेगा ही चलेगा, तो इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी सर कितनी निकली, बिग ओ एन प्लस वन, ठीक है। अब एन प्लस वन की बात करें तो वन तो सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज आप खुद देख लीजिए ना एन और वन में से कौन बड़ा है, आप खुद चेक करो ना यहाँ पर ये सीरीज मैंने क्यों बनाई है। एन ग्रोथ ऑफ ग्रोथ रेट देखिए, एरो कहाँ जा रहा है, एन और वन में से कौन बड़ा है, एन बड़ा है ना, तो जो एन बड़ा है तो आप सिर्फ बड़े वाले को लीजिए, ठीक है, बड़ा वाला कौन है एन, तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी हो गई, बिगो एन, तो एक्चुअल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना आया, बिगो एन, समझे। आप अगर आपके माइंड में अगर डाउट है कि सर ये वन को क्यों इग्नोर किया है, तो यहां पर देख लीजिए एन भी है और वन भी है, एन भी है और वन भी है, तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका है, एन का, ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है एन का, तो एन लीजिए, दूसरे वाले को इग्नोर कर दीजिए, समझ गए, वेरी गुड। ये एचपी जिसका नाम है वो नाम रख लीजिए ताकि मैं आपका नाम बोल सकूं या खुद पढ़ सकूं, नहीं तो मैं आपको जान नहीं पाऊंगा, जान पहचान बढ़ेगी तभी तो यार पढ़ाई होगी अच्छी, तो हम जानते ही नहीं, आंसर दी, आंसर बहुत अच्छे दे रहे हो आप, लेकिन जैसे कि हम जवान पे नाम ही नहीं आ रहा आपका। चलो एक और करो, फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू वन, j is less than n j plus plus, print the value of i and j, भाई लोगों ने आंसर दे दिया। सबसे पहले आंसर अनन्य अनुरागी का आंसर आया है, सिमी कुशवा का, अमन, ओके जी। अब यहां पर आपकी ट्रिक, आप लगाइए ट्रिक, क्या ट्रिक से आप सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे कि यहां पर दो लूप है, अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप पे डिपेंडेंट है, ये तो आपको मिल ही रहा है, तो जब भी डिपेंडेंट कंडीशन आती है तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, करके देखे। ओके, बाहर वाले लूप इसको हम अभी हटा देते हैं, दो मिनट के लिए हटा दो इसको, हम अभी हम देख ही नहीं रहे कि अंदर कुछ है यार, ठीक है। बाहर वाले लूप में हम यहां पर देखें तो गेम चेंजर कौन है, ये कंडीशन पार्ट है, ये लूप कब तक चलेगा कोई बताएगा,
जब आई की वैल्यू एन हो जाए, ठीक है ना, सही है। तो इस वाले फॉर लूप का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बिग ओ एन, क्योंकि कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू एन हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब अंदर वाले लूप पे आते हैं। अंदर वाले लूप में यहां पर पूरा डिसीजन मेकर कौन है, जे इज लेस देन एन, जे इज लेस देन एन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जब जे की वैल्यू एन हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके। तो अंदर वाले लूप की भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, बिग ओ एन। अब अंदर वाला लूप बाहर वाले पे डिपेंडेंट है तो क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला वो देख लेते हैं। रिजल्ट मिला बिग ओ एन मल्टीप्लाई बाय एन, जब एन को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आई है, बिग ओ एन स्क्वायर, ओके। चैट में आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया। अब अगला मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, अब अभी तो प्रैक्टिस ही है। अगला क्वेश्चन बताने वाले को इनाम, और या कोई वैल्यू हम रख लेते हैं इंट ए इक्वल टू जीरो, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई आई प्लस प्लस, देन अनदर लूप फॉर in j equal to n, j is greater than 1, j minus minus, a equal to a plus i plus j, बताइए भाई इसका। नोनिल शर्मा, ओके, जोशी जी, अभी तक सिर्फ 8 लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, जिसका नहीं निकला वो भी निकालिए, 2 मिनट है आपके पास। अनामिका, आपका आंसर गलत है, अब चेक करिए। अनामिका, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, या आपके जैसा कोई तो नहीं सोच रहा, जैसे कि ये सारी एन तक चलेगा तो इसका तो बिग ओ एन हो गया, ये लूप कब फॉल्स होगा, तो जब
जे की वैल्यू वन होगी तो लूप फॉल्स हो जाएगा, तो वन मतलब इसका कितना आया वन, तो एन इंटू वन कितना हुआ एन। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो। आप यहाँ पर ये ध्यान से देखिए कि ये लूप रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। क्या आपको पता है एन कितना होगा? नहीं, ठीक है, मतलब जे की वैल्यू एन है, एन बड़ा है क्या वन से? तो यहां तो हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है कि भाई ये लूप एन टाइम्स तक चलेगा, ये लूप भी एन टाइम्स तक चलेगा, तो एन इंटू एन एन स्क्वायर। देखिए हर मतलब मैंने आपको ये बोला था कि आप सिर्फ कंडीशन पार्ट देख लीजिएगा, पहले आप ये भी तो देखिए कि वो मैंने जो एग्जांपल बताए थे वो बताए थे फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर लूप के, लेकिन ये तो रिवर्स डायरेक्शन है। हर चीज एक ही लॉजिक तो थोड़ी ना होगी। हम खाना खाते हैं तो थाली में खाते हैं, है ना, तो जब नहाते हैं तो थाली में थोड़ी ना पानी रख के नहाते हैं, हर काम एक जैसा थोड़ी ना होगा। ये लूप आप ध्यान चूक गए, आप लूप को देखना था कि रिवर्स ऑर्डर में। बाकी लोग जिसने आंसर नहीं दिया हो सकता है कि उनका भी यही चल रहा हो, ये भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। ओके एन स्क्वायर है ना, फोर्थ फोर्थ और देखिए पहले मैं लूप बना देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि क्या आ सकता है। दो लूप है एन स्क्वायर माइंड में आपके चल ही रहा होगा। आई इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, एंड वैल्यू ऑफ आई को इंक्रीमेंट कर दिया। देन जे इक्वल टू टू, जे इज लेस देन और इक्वल टू एन जे मल्टीप्लाई बाय टू। देन ए इक्वल टू जीरो, पहले हो जाने दीजिए, इतनी जल्दी मत करिए। ए इक्वल टू ए प्लस एन बाय टू, अब करिए। ओके सभी का अभी भी बिगो एन स्क्वायर ही आ रहा है, एक जैसा आंसर आ रहा है। हमने ग्रोथ रेट इतने सारे पढ़े, उनमें से आपको सिर्फ एन स्क्वायर ही दिख रहा है।
चलिए देखें इसको। सबसे पहले बाहर वाला लूप को आप देखिए, बाहर वाले लूप पे कंडीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आपका लूप बिल्कुल से समझ में आ रहा है, एक एक से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इस लूप के फेल होने की कंडीशन क्या बनेगी, इस लूप के फेल होने की कंडीशन क्या बनेगी, आई की वैल्यू अभी कितना है, एन बाय टू है ना। आई की वैल्यू इनिशियल स्टेज पे कितनी है, एन बाय टू। जब आई की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, एन बाय टू छोटा है क्या, एन स्क्वायर से अगर है तो अंदर जाएगा। देन अंदर जाने के बाद ये जो वैल्यू है, कहाँ गया, यहाँ अंदर जाने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, तो एन बाय टू प्लस वन करोगे आप, ठीक है, एन बाय टू प्लस वन। देन कंडीशन चेक होगी, क्या एन बाय टू प्लस वन छोटा है क्या एन से, अगर है तो अंदर जाएगा। देन एन बाय टू प्लस टू हो जाएगा, एन बाय टू प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा चलता जाएगा। तो लूप फॉल्स होने की कंडीशन क्या बनेगी, लूप कब फॉल्स होगा, जब आई की वैल्यू, देखिए आई की वैल्यू वन कितना होता जा रहा है, एन बाय टू प्लस वन, एन बाय टू प्लस थ्री, एन बाय टू प्लस फोर ऐसा चलता जाएगा, ठीक है जी। तो इस आई की वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, एन बाय टू। ओके, आई की वैल्यू एन बाय टू में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, जब आई की वैल्यू एन बाय टू होगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है कि सर यहां पर टू है, ठीक है, लूप कब फॉल्स होगा, टू छोटा है क्या एन के, है तो अंदर जाएगा। देन एन बाय टू जो भी वैल्यू, तो यहां पर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू इंटू टू फोर, देन फोर इंटू टू एट, देन एट इंटू टू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, मतलब टू का स्क्वायर चलता जाएगा। अब जब टू का स्क्वायर चल रहा है तो मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर जब भी आपको स्क्वायर या डिविजन कुछ भी होता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो आप आग बंद करके क्या लगा दीजिएगा, लॉग एन, ठीक है, लॉग एन। जब भी स्क्वायर या स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा हो, डिवाइड, तो लॉग एन आप मान लीजिएगा, ठीक है। अब वैसे तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या मिला, एन बाय टू और मल्टीप्लाई लॉग एन। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है, टू, टू को हटा दो, टू को हटा दिया तो ये हट जाएगा, तो बचा क्या, एन मल्टीप्लाई लॉग एन, तो यहाँ क्या हुआ, एन लॉग एन, तो बिगो एन लॉग एन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो मैंने बताया उसी के बेसिस पे, नंबर फाइव। Int a equal to 0, int I equal to n, while I is greater than 0, then a equal to a plus I and I equal to I divided by 2. यहां पर आई का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड बाय टू। तो बताइए क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड हिमांशु, प्रिया, प्रज्ञा, वेरी गुड। इंक्रीमेंट क्या, एक एक ऑर्डर में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, नहीं। अनिकेत क्या हो गया आपको, आप n log n क्यों बोल रहे हो, इसका क्या है आंसर, इसका भाई साहब आंसर है log n, ओके। यहां पर मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी क्या होगा, log n। तो जब भी एक एक इंक्रीमेंट है,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड का यूज कर रहा हूँ तो आपको क्या करता है, लॉग एन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मैं लॉग एन ऐसा बता रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बता दिया डिवाइड या मल्टीप्लाई, लेकिन पीछे का रीजन क्या है वो हम चेक करेंगे। बेस की जरूरत नहीं है, आप बेस टू लेके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में इस क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास करने के पहले मैं एक टेस्ट भी लूंगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, जिसमें आपको ऐसे ही प्रोग्राम्स होंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको फाइंड करनी होगी, चार ऑप्शंस भी आपको देंगे, ऐसी बात नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पर ही हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल, कल रहेगा जावा, और जावा को हम कंटिन्यू करेंगे उसके स्ट्रीम से। ओके जी।